Welcome to my channel Physics the Natural Science. Class 11th, Unit Number 1, Physical Word and Measurement का यह तीसरा लेक्चर वीडियो है. आज का टॉपिक है Excitement of Physics, जिसमें हम जानेंगे कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सब्जेक्ट है और हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए. द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट दिया था. द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कम्प्रिहेंसिबल. मतलब इस दुनिया की सबसे ना समझने वाली चीज यह है कि इसे समझा जा सकता है. ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है. इस दुनिया को समझा जा सकता है लॉज ऑफ फिजिक्स से. तो आइए इसके बारे में हम कुछ और समझते हैं. क्या आप जानते हैं आसमान नीला क्यों है? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? रेनबो कैसे बनते हैं? क्यों सारी चीजें जमीन की तरफ गिरती हैं? क्यों नहीं वो आसमान की तरफ चले जाएं? क्यों नहीं वो हवा में ही टिकी रहे? यह कुछ नेचुरल फिनोमिना है जो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, जिसे फिजिक्स के कुछ रूल्स जो है बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन करते हैं. जैसे आसमान का नीला होना स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, रेनबो का बनना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है, और चीजों का जमीन की तरफ ही गिरना ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनास हैं जिसे फिजिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करता है. तो है ना ये काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सब्जेक्ट. यह वो सब्जेक्ट है जिसमें हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, जिसमें हम नेचर के रहस्यों को खोजने का प्रयास करते हैं. यह वह सब्जेक्ट है जिसमें हम बिग बैंग से लेकर बिग क्रंच तक की बातें करते हैं, यानी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं. कभी इसमें हम बड़े बड़े गैलेक्सीज प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी हम एटम्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियस से भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी एक्साइटिंग है. कुछ और वजह हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए. जैसे स्टडिंग फिजिक्स इज लाइक एन एडवेंचर इनटू अननोन टेरिटरी. मान लीजिए आपको किसी अनजान जगह पे छोड़ दिया जाए, जहां पे आप किसी को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आप कैसे वहां पे सरवाइव कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप वहां पे अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, फिर जाके कोई स्टेप लेंगे. उसी तरह फिजिक्स को पढ़ना है. फिजिक्स में आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रूफ करते हैं, उसके बाद कोई एक स्टेप लेते हैं, उसके बाद किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं इन सम स्टेटमेंट्स एंड सम मैथमेटिकल रिलेशन. ये काफी चैलेंजिंग है, दिमाग को हिला देने वाला सब्जेक्ट है, काफी दिलचस्प है और काफी सेटिस्फाइंग सब्जेक्ट है.
जिसे पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है, बहुत ही खुशी महसूस होने वाला है। यह वह सब्जेक्ट है जिसमें आप यूरेका मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं, यानी वह क्षण जिसमें आपको लगे कि वाह, आज मैंने कुछ कर दिखाया है, आज मैंने कुछ पा लिया है। फिजिक्स इज फाउंडेशन ऑफ ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। इस बात से हम अनजान नहीं हैं कि आज इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्पेस ट्रेवल और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वह फिजिक्स की ही बदौलत है। अगर इसमें लॉज और एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो फिजिक्स जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करता है किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, एक थ्योरी को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब जाके वह थ्योरी जो है वेरीफाइड होती है। याद रखिए कि कोई भी थ्योरी गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट काफी होता है, लेकिन एक थ्योरी को सही साबित करने के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट काफी नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को मिला के हमें ये समझ में आता है कि यह सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए कुछ नया। Thanks for watching. Please do subscribe, share, like and comment. Take care. Keep learning. Bye-bye.